तो कैसे आप लोग तो हेलो गाइज, आज मैं जा रहा हूँ भाई अपनी MT-15 की डिलीवरी लेने इंदौर। तो यहाँ से है भाई इंदौर 400 किलोमीटर। तो पहले तो आपको भाई वेलकम 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 मेरे ब्लॉग में, बहुत ही स्वागत है आपका। तो आज चलते हैं भाई MT-15 लेने अपनी। तो भाई इतनी खुशी हो रही है कि क्या ही बताऊं। तो आज भाई पहली बार, लेकिन एक मतलब एक दिक्कत की बात है कि पहली बार भाई मैं 400 किलोमीटर दूर ट्रेवल करने वाला हूँ, वो भी बस से। और बस में मुझे आते हैं भाई पलटी, तो भाई दिक्कत की बात तो होगी ही। तो अभी देखते हैं क्या सीन रहता है। तो पहले मुझे यहाँ से जाना है भाई करेरा, और करेरा से जाऊंगा शिवपुरी, और शिवपुरी से डायरेक्ट इंदौर के लिए बस होगी। तो भाई और पेमेंट की बात बता दूं, मतलब बाइक का पेमेंट तो वो तो हमने भाई ऑनलाइन कर दिया है ट्रांसफर। और इंदौर रहते हैं मेरे मामा जी, तो एक रात मामा के पास स्टे करना पड़ेगा, सिर्फ सवेरे फिर गाड़ी उठाएंगे। तो अभी देखते हैं, और पहले तो भाई चलते हैं करेरा। अभी मेरा बैग पैक हो चुका है, पीछे रखा है बैग। तो अभी भाई चलते हैं सीधा करेरा, और फिर मिलते हैं आपसे करेरा में। अभी चलते हैं भाई, मैंने बैग ले लिया, इसमें बैग में ले लिया भाई पानी, और ये जा रहा है अपन को छोड़ने। अभी निकलते हैं, और बाहर रखी है अपनी गड्डी। तो अभी निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपको करेरा। तो भाई जब हम निकल चुके हैं भाई घर से, तो अभी चलते हैं करेरा, और करेरा से भाई सीधा बस पकड़ेंगे तो पहुंचेंगे शिवपुरी, और शिवपुरी से डायरेक्ट इंदौर। तो भाई इस मंदिर पे भाई विनती करके चलते हैं, अंदर चलते हैं विनती करने, और फिर चलते हैं। तो अभी भाई विनती कर ली है, तो अभी चलते हैं। अभी आ चुके हैं हम भाई मार्केट। तो अभी यहाँ से बैठना है हमको बस में, और फिर पहुंचेंगे सीधा शिवपुरी। लड़की हमको देख रही है भाई कि ये क्या बोल रहा है मोबाइल पे। गाइस हमको लगे हाथ बस मिल चुकी है, तो डायरेक्ट बैठते हैं यहाँ से। कुछ भाई चिप्स वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि हमको होती है पलटी, तो टाइम पास के लिए चिप्स ले लेते हैं भाई। हमने इतना सारा चिप्स ले लिया है। यहाँ से मेरा सफर हो चुका था भाई स्टार्ट इंदौर के लिए। तो एक घंटे ट्रेवल करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ भाई शिवपुरी, क्योंकि करेरा से 45 से 50 किलोमीटर दूर है। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ भाई शिवपुरी घोड़ा चौराहा पे। तो अभी भाई मुझे लेने आएंगे एक भैया, और फिर हम चलेंगे भाई उनके रूम पर। और 10 बजे की है मेरी इंदौर की टिकट, तो अभी चलते हैं। फाइनली भाई आ चुके हैं उन भैया के घर पे। पहुंच के सबसे पहले हम खाते हैं भाई खाना, और फिर 2-3 घंटे वेट करने के बाद बज जाते हैं 10। फाइनली भाई 10 बज चुके हैं, तो अभी हम निकल रहे हैं इंदौर के लिए, और लगे हाथ हमारी बस भी आ जाती है। फाइनली बस आ चुकी है, तो अभी चलते हैं। करना था मुझे भाई 400 किलोमीटर ट्रेवल, तो मुझे भाई एक साइड तो डर भी लग रहा था कि भाई पलटी ना हो जाए। और फिर फाइनली 8 घंटे ट्रेवल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं भाई इंदौर। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं भाई इंदौर, और बस से उतर के मैं पकड़ता हूँ एक टैक्सी, और जब तक मेरे को लेने आ जाते हैं भाई मामा जी। फाइनली मैं आ चुका हूँ, और मामा जी आ चुके हैं हमको लेने। तो अभी चलते हैं भाई रूम पे। तो गाइज अभी हम भाई रूम पे आके मैं और मामा जी सो रहे हैं, क्योंकि मैंने भाई पूरी बस में 1-2 घंटे ही सोया है, और ज्यादा नींद नहीं आई। तो अभी सोने के बाद मिलते हैं। अभी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं भाई, लाइट मतलब लाइट जला के ब्लॉक कर रहा हूँ ना, इसलिए। तो मिलते तो मिलते हैं आपको सोने के बाद। तो गाइज अभी हम सो के उठ चुके हैं भाई, तो अभी हमको ब्रश करना है अभी करेंगे हम ब्रश, और फिर तैयार होके जाएंगे अपनी MT-15 लेने, आके पार्टी करेंगे, और आके करना है भाई पार्टी। तो गाइस अभी फाइनली हम जा रहे हैं भाई शोरूम पे हमारे मामा जी। तो अभी मिलते हैं आपको शोरूम पे पहुंच के, और फिर यहां से जाते हैं हम भाई सिटी बस में। तो अभी हम भाई बस से उतर चुके हैं, यहां से हमको जाना है पैदल। हम जा रहे हैं भाई 3 लोग, मामा जी और ये मामा जी के फ्रेंड हैं। अभी शोरूम पे पहुंच के आपको मिलते हैं भाई। इंदौर में पूरे यहाँ पे राम राम के झंडे लगे हैं, देख सकते हो आप, इस पे लिखी है राम, कमेंट में जय श्री राम। तो भाई जब हम आ चुके हैं भाई शोरूम पे, शोरूम का नाम है पेटल एमा शोरूम। तो यहाँ भी चलते हैं अंदर, और ये शोरूम है। तो अभी हम शोरूम में आ गए हैं, लेकिन अभी भाई अपनी MT नहीं दिख रही है, तो वो बोल रहे हैं आ रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी देखते हैं कब तक आती है। अभी तो भाई ये वाली रखी है, MT भी अभी नहीं, अपनी गाड़ी अभी आ रही है, जब तक यहाँ पे वेट करते हैं। तो अभी आ चुके हैं अपनी गाड़ी भाई साइन ब्लू में है, जो ऊपर अभी भाई वो ऊपर ला रहे हैं मेरे भाई भाई मेरे भाई भाई मेरे भाई करना Okay.
ये BF7 है इसको, अभी भाई कुछ कागजों का काम करना पड़ेगा मतलब, और उसके बाद लेंगे हम डिलीवरी। तो अभी भाई इसे बैठ के देखते हैं कैसा क्या रहता है। ये पकड़ो, ये वीडियो बनाइए फिर फोटो ले। तो अभी मामा जी भाई कागजों का काम करवा रहे हैं यहाँ पे, ये वाले हेलमेट मिलेंगे भाई हमको। अभी भाई पेमेंट का मतलब पेमेंट हो रहा है भाई, गिन रहे हैं और कुछ हमने मतलब इस QR पे कर दिए हैं। तो अभी इस पेमेंट होने के बाद फिर अपनी कैसी है, मैं दिला रहा और मोई सब पूछ रहा, देख रहे हैं ना क्या दिए। अभी पेमेंट हो चुका है तो अब भाई अपनी गड्डी फोटो खींचना है भाई। मैं अभी आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, मतलब BS7 में और BS6 में क्या क्या फर्क है। तो BS6 में भाई ये नहीं थे, ये इंडिकेटर नहीं थे LED, मतलब कैसे थे भाई जैसे थे जैसे उस वाली गाड़ी में लगे हैं। तो इसमें ए वाले इंडिकेटर आ चुके हैं और भाई कुछ और कुछ मीटर में भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ आया है, वो मुझको पता नहीं है भाई, मैं आपको डिटेल लेके बता दूंगा। और तीसरा मतलब सबसे बड़ा फर्क ये आया है, मतलब फ़ायदा ये आया है भाई, BS7 थी मतलब इसमें डुअल चैनल ABS नहीं था, मतलब BS6 में डुअल चैनल ABS नहीं था, इसमें जी दो ABS आ चुके हैं, एक ए और भाई पिछले में भी आ चुका है, ये देख सकते हो आप, लुक मैं यहाँ से दिखाता हूँ भाई, ये आ चुका है और भाई लुक बढ़िया है। ये हैं दो दो इंडिकेटर और भाई ये है, लेकिन इसमें भाई छोटी सीट है तो कोई ना मुझे पसंद है। और ये है भाई एमा का लोगो और ये लिखा है यहाँ पे MT15 और ये है भाई इसके शॉकर और इसका तुम लुक तो खतरनाक है, आप देख ही सकते हो। और एक यहाँ पे भी है, ये MT15 का लोगो है और बस और क्या चाहिए अपन को, अपन इतने में ही खुश हैं। तो बस अभी चलते हैं भाई, अपना पेमेंट वगैरह हो चुका है, अभी उठाते हैं गाड़ी और फिर निकलते हैं घर की ओर। तो आज भाई इतनी खुशी है कि क्या ही बताऊं। हो चुका है अपना भाई फुल मतलब पेमेंट हो चुका है और गाड़ी हमने भाई बोल, अब चलते हैं सीधा घर पे, हेलमेट दे रहे हैं भैया हमको। तो भाई जब हमने भाई MT अपनी ले ली है तो अभी जाना है घर पे, तो घर है यहाँ से भाई 400 किलोमीटर दूर। तो पहले तो चलते हैं भाई रूम पे, मामा जी के रूम पे मतलब जहाँ पे रहते हैं मामा जी, यहाँ से भैया निकाल रहे हैं। ओ नीचे का लग रहा हूँ, फाइनली भाई आज ले ही ली MT15। तो यार सबसे पहले थैंक यू आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपने भाई इतने सब्सक्राइबर बोले तो भाई 40,000 होने वाले हैं, तो अभी आप सब्सक्राइब कर देना भाई, 50,000 करवाना जल्दी से जल्दी, और भाई आपको देखने मिलेंगे अच्छे से अच्छे मोटो ब्लॉग। तो अभी चलते हैं भाई, अभी जाना है भाई मुझे घर पे भाई, यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है, तो भाई अभी चलते हैं। तो थैंक यू यार सबको, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के पास, और आपको भाई डेली मोटो ब्लॉग देखने को मिलेंगे। Thank you, bye bye. Amre se darne aa jaana to sahi hai, sunne ke aisa cheez tumse taro ke tare ho.